मैं शिवायत, दोस्तों मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2021 में जून, जुलाई और अगस्त का महीना किस प्रकार जाने वाला है, यानी इन तीन महीनों की समयावधि में ग्रहों के अनुसार किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण मेष राशि वाले जातकों के जीवन में देखने के लिए मिलने जा रहा है, इस वीडियो में आप जानेंगे। कहां पर आपको बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिलने जा रही है और किस क्षेत्र में आपको परेशानी और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, ग्रहों के अनुसार सटीक जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो यदि आप मेष राशि के जातक हैं तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। इस राशिफल के दौरान हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के बारे में आपको सटीक जानकारी देने जा रहे हैं, जिसमें मेष राशि का कैरियर और व्यावसायिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और मेष राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास उपाय। तो राशि के फल को बताने से पूर्व यह देख लेते हैं कि वर्तमान समय में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण चल रहा है। तो देखिए, वर्तमान समय में देश, काल और वातावरण के ऊपर गंभीर समस्या बनी हुई है, चुनौतियां चल रही है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चुनौतियां जीवन में जरूर चल रही है। तो देखिए, मेष राशि के बारे में अगर हम आपको जानकारी दें तो देखिए, मंगल देव से प्रभावित यह राशि मानी जाती है। इस राशि वाले जातक जीवन में किसी भी प्रकार का संघर्ष करने के लिए तत्पर होते हैं, मेहनती होते हैं, अपनी मेहनत की खाते हुए देखे जाते हैं। मेष राशि वाले जातकों में यह भी देखने के लिए मिलता है कि भाग के अपेक्षा कर्म पर जातक ज्यादा फोकस देखे जाते हैं। इस राशि वाले जातकों में लीडरशिप क्षमता देखने के लिए मिलती है। एक समय में एक से अधिक कार्यों को करने का हुनर इनके अंदर होता है। जीवन में कठिन चुनौतियों को, प्रतिकूल स्थितियों को अपनी सूझबूझ के द्वारा ये संभालते हुए देखे जाते हैं। परिवार को काफी ज्यादा महत्व देते हुए भी ये जातक देखे जाते हैं। लेकिन वर्तमान समय में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कई प्रकार की चुनौतियों का सामना जीवन में करना पड़ रहा है। जैसे मेष राशि वाले जातकों के कार्य बनते बनते कार्य रुक रहे हैं। कार्य मिलने से आपके मन में एक और प्रसन्नता तो देखने के लिए मिल रही है, संघर्ष बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है और संघर्ष का परिणाम आपको कम या ना के बराबर देखने के लिए मिल रहा है। बहुत सारे मेष राशि वाले जातकों के मन में तो ऐसा चल रहा है कि जीवन में अब हम ऐसा कौन सा कार्य करें, कार्य का अवसर जीवन में नहीं है, हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं, यानी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। जीवन में एक तनाव की स्थिति बार बार बनी हुई है। आर्थिक जीवन में काफी ज्यादा नुकसान का सामना आपको करना पड़ रहा है। कर्ज की स्थिति निरंतर जीवन में बनी हुई है। इसके लिए वीडियो के अंत में हम आपको कुछ खास उपाय बताएंगे, ज्योतिषीय उपाय बताएंगे, जिसको यदि आप करेंगे तो बेहतर संभावनाएं जरूर देखने के लिए मिलेगी। और मेष राशि के कुछ कमियों के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे, जिन कमियों पर आप पूर्ण रूपण यदि कार्य करेंगे तो आने वाले समय में बेहतर संभावनाएं देखने के लिए जरूर मिलेगी। चूंकि वर्तमान समय में चल रही महामारी के उपरांत आने वाले समय में वही व्यक्ति सर्वाइव कर पाएगा जिस व्यक्ति के अंदर दुर्गुण कम होंगे और सेल्फ डेवलपमेंट पर जो जातक फोकस करेगा, और ऐसे जातक के जो जातक काफी ज्यादा ज्ञान विज्ञान से युक्त होगा। तो अब आइए हम आपको बताते हैं ग्रह स्थिति किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। मेष राशि वाले जातकों, सूर्य राहु का ग्रहण दोष जून के महीने में आपके राशि के धन भाव में बना हुआ है। जून, जुलाई, अगस्त के समयावधि में जो मेजर ग्रह हैं उनमें गुरुदेव बृहस्पति आपके राशि के लाभ भाव यानी 11th हाउस में रहने वाले हैं। पूरे इन तीनों महीनों में केतु आपके राशि के अष्टम भाव में रहने वाले हैं। शनिदेव वक्र स्थितियों में होकर वक्री चाल चलते हुए राशि के कर्म भाव में रहने वाले हैं। आपके राशि में राहु धन भाव में, सूर्य, बुध और मंगल ये आपके राशि के पराक्रम भाव में रहने वाले हैं। तो जो मेजर ग्रह है उनका परिवर्तन नहीं होगा, माइनर ग्रहों का परिवर्तन होता रहेगा, जिसमें से बुध देव, सूर्य देव और शुक्र ये माइनर ग्रह आते हैं जिनका परिवर्तन होता है। आइए हम आपको बताते हैं किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण इन तीन महीनों में होने जा रहा है। सबसे पहले आपको बताएं कैरियर और व्यावसायिक जीवन के दृष्टिकोण से ये महीने कैसे रहने वाले हैं।
जून जुलाई और अगस्त के महीने की समयावधि में, जून के महीने में आपके राशि के दशम भाव में जो शनिदेव है वो वक्रगत स्थितियों में है, जिससे मेष राशि वाले जातकों को संघर्ष चुनौतियों का ज्यादा सामना जीवन में करना पड़ सकता है। इसमें आपको पूर्ण रूप से यह ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। सही कार्य पर आपको फोकस रखना है। अपने ध्यान का, अपने कॉन्फिडेंस का सही जगह पर इस्तेमाल करना बहुत ही उत्तम रहने वाला है। जुलाई और अगस्त का महीना बहुत ही शानदार आपके लिए रहने वाला है। व्यावसायिक जीवन के दृष्टिकोण से भी ये तीनों महीने काफी शानदार रहने वाले हैं। व्यापारिक जीवन में आपके द्वारा उठाया गया कदम आपको जीवन में बेहतर सफलता देने के लिए पूर्ण रूप से समर्थ रहने वाला है। यहाँ पर आपको हम बता दें, आपके राशि में ग्रह स्थितियां इस प्रकार की बनी हुई है कि इस समयावधि में यदि पूर्व के समय से किसी भी प्रकार के विचार को आप लेकर चल रहे हैं और जून के महीने में आप क्रियान्वित करेंगे तो भाग्य का भी परिपूर्णता से साथ देखने के लिए मिलेगा और सफल होते हुए भी आप जरूर नजर आएंगे। मेष राशि वाले जातकों के साहस और पराक्रम में काफी ज्यादा वृद्धि देखने के लिए पूर्ण रूपण मिलने जा रही है। इन तीनों महीनों में अगर आपके राशि में आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो सूर्य राहु का ग्रहण दोष आपके राशि के धन भाव में बना हुआ है। गुरुदेव बृहस्पति तीनों माह तक आपके राशि के लाभ भाव में प्रभावी हैं, जिससे यहाँ पर आर्थिक जीवन में काफी ज्यादा आप सक्रिय रहने वाले हैं। आमदनी के सोर्स में बढ़ोतरी देखने के लिए मिलने जा रही है और खर्च में भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने के लिए मिलने जा रही है। आकस्मिक धन प्रदायक स्थितियों का निर्माण जीवन में होने जा रहा है। धन भाव में शुभ ग्रहों का प्रभाव निरंतर बना हुआ है, जिससे आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ स्थितियां जरूर बनी हुई रहेगी। इस समयावधि में अगर आपके राशि में परिवार के दृष्टिकोण से आपको जानकारी दिया जाए तो इन तीन महीनों के समयावधि में पारिवारिक मामलों में बेहद सौहार्द पूर्वक स्थितियां रहने वाली है, क्योंकि जो राशि का चतुर्थ भाव है उससे परिवार के बारे में विचार किया जाता है। आपके मन में प्रेम, सद्भाव, जिम्मेदारी परिवार के लिए काफी ज्यादा देखने के लिए मिलने जा रही है। इस समयावधि में धार्मिक कार्यों का आयोजन जीवन में होने से मन में प्रसन्नता देखने के लिए मिल सकती है। वातावरण में काफी ज्यादा सकारात्मकता पारिवारिक वातावरण में देखने के लिए आपको जरूर मिलेगी। तो यहाँ पर अगर बात की जाए, सबसे परिवार के मामले में सबसे सावधानी पूर्वक रहने के लिए अगर कोई महीना है तो महीना जून का महीना रहने वाला है। इस माह में परिवार में वाद विवाद की स्थिति भी देखने के लिए मिल सकती है। जुलाई और अगस्त का महीना बहुत ही शानदार रहने वाला है। मेष राशि वाले जातकों, शिक्षण संस्थानों में संलग्न जातकों के लिए अगर आपको जानकारी दें तो राशि के पंचम भाव से शिक्षा के बारे में विचार किया जाता है। शिक्षा में गुरुदेव बृहस्पति का पूर्ण रूपण प्रभाव बना हुआ है, जिससे आपका ज्ञान काफी ज्यादा बढ़ेगा। परीक्षा प्रतियोगिता के लिए काफी अच्छा समय रहने वाला है। यदि किसी भी प्रकार के परीक्षा प्रतियोगिता में बैठने की आप योजना बना रहे हैं या परिणाम का इंतजार इस समयावधि में आप कर रहे हैं तो उसमें सफलता देखने के लिए पूर्ण रूपण मिलने जा रही है। यहाँ पर मेष राशि वाले जातकों को अपने संगति पर विशेष रूप से ध्यान रखकर जरूर चलना चाहिए। यदि शिक्षण संस्थानों में संलग्न है तो सकारात्मक मित्रगणों की संगति के साथ आप जरूर चलें। इस समयावधि में अगर आपके राशि में प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से आपको जानकारी दिया जाए तो राशि के पंचम भाव से प्रेम के बारे में विचार किया जाता है। प्रेम जीवन के मामले में यह तीनों महीने बहुत ही खास और बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। साथ में वैवाहिक पक्ष से अगर आपको जानकारी दिया जाए, वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगस्त का महीना ज्यादा अच्छा नहीं रहने वाला है। जून और जुलाई का महीना बहुत ही खास आपके लिए रहने वाला है। वैवाहिक मामलों में जुड़े हुए जातकों के वैवाहिक संबंध में श्रेष्ठ स्थितियां देखने के लिए मिलने जा रही है। गृहस्थ सुख काफी ज्यादा बढ़ेगा। साथ में इस समयावधि में घूमने फिरने की काफी ज्यादा योजना बनाई जाएगी। आप कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, जिसमें बेहतर मन में प्रसन्नता देखने के लिए मिल सकती है। पार्टनरशिप में यदि कोई व्यवसाय कर रहे हैं उसमें भी आपको पूर्ण रूप से सफलता देखने के लिए मिलने जा रही है। ऐसे मेष राशि के जातक जो संतान है सुख से वर्जित है या संतान सुख आपको नहीं है तो इस समयावधि में संतान सुख मिलने की संभावना देखने के लिए मिलने जा रही है।
संतान आपकी काफी ज्यादा प्रगति करते हुए जीवन में नजर आ सकते हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं सेहत के लिहाज से ये महीने कैसे रहने वाले हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मेष राशि वाले जातकों को उतार चढ़ाव भरी स्थितियां देखने के लिए मिल सकती है। चूंकि राशि के अष्टम भाव में केतु विराजित रहने वाले हैं, राशि के छठवें भाव से रोग ऋण शत्रुओं के बारे में विचार किया जाता है। इसमें जून और जुलाई का महीना बहुत ही उत्तम रहने वाला है। अगस्त के महीने में स्वास्थ्य में ज्यादा तो नहीं, लेकिन छोटी मोटी समस्याएं आपको देखने के लिए जरूर मिल सकती है। इस पर आपको हल्का बुखार देखने के लिए मिल सकता है। पेट से संबंधित समस्याएं, मस्तिष्क में पीड़ा, चिड़चिड़ापन, घबराहट, ये सारी समस्याएं देखने के लिए मिल सकती है। इससे स्वास्थ्य पर आपको प्रतिकूल प्रभाव भी देखने के लिए मिल सकता है। मानसिक रूप से काफी ज्यादा एक्टिव रहने के लिए प्रत्येक दिन योग ध्यान प्राणायाम जरूर करना चाहिए। इससे स्वास्थ्य आपका काफी पूर्ण रूप में फिट जरूर रहेगा। दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर जीवन में जरूर चलें तो बेहतर संभावनाएं देखने के लिए जरूर मिलेगी। मेष राशि वाले जातकों, शारीरिक रूप से अपने आप को फिट बनाए रखने के लिए शराब, धूम्रपान और मांसाहार जैसे विषयों से भी पूर्ण रूप में आपको दूर रहने की सलाह दी जा रही है। तो ये तो रहा मेष राशि का राशिफल। अब आइए हम आपको बताते हैं कुछ खास उपाय जिसको करके आप बेहतर स्थितियों का निर्माण जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कर सकते हैं। तो देखिए, जब वातावरण में और देश काल वातावरण पर प्रतिकूल स्थितियां चलती है तो जन्म कुंडली पर बना हुआ राजयोग भी कम प्रभावी हो जाता है और उसका हमें पूरा परिणाम देखने के लिए नहीं मिलता है। तो वर्तमान समय में यदि मेष राशि वाले जातकों, यदि मन में निराशा, असफलता का भाव बार बार उत्पन्न हो रहा है तो कुछ खास बातों पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखकर चलना है। सबसे पहले, जीवन में किसी भी कार्य को यदि करें तो रूपरेखा बनाकर जरूर करें, क्योंकि मेष राशि वाले जातकों में यह देखने के लिए मिलता है ये जातक काफी ज्यादा मनमौजी होते हैं, एकाएक अचानक ये शांत रहते हैं और अचानक किसी कार्य में संलग्न होने के पश्चात फिर मन से उस कार्य को करने लगते हैं और बिना रूपरेखा बनाए कार्य को करने से इनको जीवन में जरूर असफलता देखने के लिए मिल जाती है। दूसरा, आपको इस अपनी गलती पर कार्य करना है। जीवन में किसी भी प्रकार की यदि गलती आप कर रहे हैं, जैसे अपने परिवार की यदि आप अपने जिम्मेदारियों को नहीं निभा रहे हैं, या जीवन में जो आपको जिम्मेदारी मिली हुई है उसको यदि आप नहीं निभा रहे हैं और जीवन में बार बार अपनी बातों को व्यर्थ रूप में सिद्ध करने की आप कोशिश कर रहे हैं तो इस गलती पर आपको पूर्ण रूप में सलाह दी जा रही है, इसको दूर करके जीवन में जरूर चलना चाहिए, क्योंकि जो गलत होता है उसको आपकी अंतरात्मा जरूर पूर्ण रूप में जानती है। इसलिए स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने से भी आपको जरूर बचना चाहिए। परिवार की प्रत्येक जिम्मेदारी को ध्यान दें। साथ में यदि आपसे कोई अनुभवी व्यक्ति है उसकी राय को सही राय अगर है उसको आप जरूर लें। माता पिता का पूर्ण रूप में सम्मान करके जरूर चलें। इस राशि के अंतर्गत जन्मे जातकों में यह भी देखने के लिए मिलता है, इनमें क्रोध की काफी ज्यादा परिपूर्णता होती है। कुछ समय के पश्चात क्रोध के कारण अहम यानी अहंकार की स्थिति भी उत्पन्न होने लगती है। तो इसका यदि आप पूर्ण रूप में त्याग कर देंगे तो बहुत अच्छी संभावनाएं देखने के लिए जीवन में मिलेगी, क्योंकि कहा गया है काम, क्रोध, लोभ और मोह, ये चार चीजें व्यक्ति के पतन का कारण मानी जाती है। तो यदि व्यक्ति के अंदर ये चीजें होती है तो व्यक्ति मानसिक रूप से अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने लगता है और असफलता देखने के लिए मिलती है। अब मेष राशि वाले जातकों को किन कार्यों पर कार्य करना चाहिए? सबसे पहले, अपने आप को चिंता मुक्त रखने के पूर्ण रूप में कोशिश करें। क्रिएटिव विचारों को मन में लाएं। अपने ऊपर सेल्फ डेवलपमेंट करने पर आपको फोकस जरूर करना चाहिए, जैसे धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना, अपने व्यक्तिगत विकास के लिए आपको खर्च करना बहुत ही उत्तम रहने वाला है। दूसरे व्यक्तियों से काफी ज्यादा सीखना बहुत ही उत्तम रहेगा। मेष राशि के यदि आप जातक हैं तो व्यर्थ के कार्यों में अपने समय का दुरुपयोग करने से आप जरूर जीवन में बचें। आपको ऐसे स्थान पर जाने से बचना है जहां पर आपका सम्मान नहीं होता है। साथ में ऐसे मित्र गणों, चापलूसों से आपको दूर रहने की सलाह दी जा रही है। ऐसे व्यक्तियों से आपको पूर्ण रूप में दूर रहना है।
जो व्यक्ति आपके मुंह पर आपके पक्ष की बात करता है या आपके हित की बात करता है और पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाता है। तीसरा, मेष राशि वाले जातकों को मेडिटेशन जरूर करना चाहिए, क्योंकि क्रोध आपका अत्यधिक आता है और क्रोध यदि ज्यादा आता है तो दो चीजें होती है, या तो मंगल देव की स्थिति जन्म कुंडली पर काफी पीड़ित होती है तो क्रोध की स्थिति बार बार उत्पन्न होती है, तो आपको ध्यान जरूर करना चाहिए। यदि आप मेष राशि के जातक हैं तो यदि पूर्व में आपके साथ किसी भी प्रकार की नकारात्मक स्थिति या संघर्ष बीत चुका है उससे आपको जीवन में काफी ज्यादा सीख लेनी चाहिए, ना कि उस बात को लेकर मन में नकारात्मक स्थितियों का निर्माण करना है। अपने आत्मविश्वास के साथ सही कार्य को करने पर ही आप फोकस करें। धार्मिक दिशा में अगर आपके लिए उपाय की बात की जाए तो मेष राशि के जातकों प्रत्येक दिन सूर्योदय के पश्चात जरूर अपने आप को स्नान ध्यान से निवृत्त करके दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर धार्मिक अनुष्ठान करें, धार्मिक चीजों में अपने मन को संलिप्त करें, साथ में शनिदेव की आराधना आप जरूर कर सकते हैं, ओम सम शनिश्चराय नमः नामक मंत्र का जप कर सकते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे जाने के उपरांत 7 बार या 108 बार प्रदक्षिणा कर सकते हैं, जल अर्पित कर सकते हैं तो बेहतर संभावनाएं देखने के लिए जरूर मिलेगी। यदि आप मेष राशि के जातक हैं तो प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए तो बेहतर संभावनाएं देखने के लिए जरूर मिलेगी। देखिए, यदि सूर्योदय के पूर्व यदि आप 100 करोड़ जाते हैं तो शारीरिक और मानसिक रूप से काफी ज्यादा अपने आप को आप फिट पाएंगे और इसमें आपके धार्मिक संलग्नता यदि आपकी बढ़ेगी, धार्मिक अनुष्ठान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, उसमें मन पूर्ण रूप में एकाग्र जरूर रहेगा, पूरा दिन आपके लिए बहुत ही शानदार जाएगा। मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन जरूरतमंद एवं सहाय व्यक्ति को भरपेट भोजन खिलाना बहुत ही उत्तम रहने वाला है। शनिवार के दिन शनिदेव से जुड़ी हुई चीजों का दान कर सकते हैं, काला तिल, उड़द, जूते चप्पल, छाता या काला पुष्प, सरसों का तेल, गरीब और असहाय व्यक्ति को दान जरूर कर सकते हैं। पशुओं का, जानवरों का, काले कुत्ते को, काले गाय को रोटी खिलाना बहुत ही उत्तम रहने वाला है। जानवरों के प्रति भी सद्भाव, मन में दया का भाव रखें। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। ओम नमः शिवाय।